And welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th August 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials.

तो ये अगस्त एंड में ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एक्सपायर होने वाला था शाम के अंदर इसको छः महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है और जिसके पीछे कारण बताए गए हैं द रिसेंट इंसर्जेंट अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हाल फिलहाल में मणिपुर मिजोरम के अंदर कई सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप्स ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक किया था जिसमें कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ भी हो गई थी उसके अलावा गवर्नमेंट ने कहा है आसाम सरकार ने कहा है दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिकवरी ऑफ इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इन आसाम हैज़ बिन द रीजन बिहाइंड द डिसीजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इन आसाम फॉर सिक्स मोर मंथ्स तो सरल शब्दों में आसाम सरकार का कहना है कि अभी भी सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ अटैक्स हुए हैं इंसर्जेंट्स द्वारा उसके अलावा आसाम के अंदर भी कुछ इलीगल आर्म्स मिले हैं इस कारण से आसाम सरकार ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को छः महीने के लिए और बढ़ा दिया है तो अब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखते हैं इसके बारे में और समझते हैं दिस वाज ब्रॉड फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंडिया इन 1958 इन ऑर्डर टू कर्ब इंसरजेंसी नागालैंड तो नागालैंड के अंदर नागाज वी आर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट स्टेट इन फैक्ट डिमांडिंग सक्सेसन फ्रॉम इंडिया सेपरेशन फ्रॉम इंडिया तो इन ऑर्डर टू कर्ब इन ऑर्डर टू सप्रेस नागा इंसर्जेंसी आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट वाज पासड बाई दार्लियामेंट और इसके साथ फिर पहली बार आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नागालैंड के अंदर इंप्लीमेंट किया गया इन इंडिपेंडेंट इंडिया और आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट से फ़ायदे क्या होते हैं दैट द आर्म्ड फोर्सेज गेट एक्सटेंसिव पावर द गेट एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर और उनको एक्स्ट्रॉडनरी पावर इसलिए दिया जाता है कि वो उस एरिया में जा कर के जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज़ हैं जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस फैल रहा है उसको वहाँ पर जा कर के वो लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ को रिजॉल्व करें तो जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आप देखो नागालैंड के अंदर इंसर्जेंसी फैल रही थी नागा सेक्शनिस्ट ग्रुप्स से वेअर डिमांडिंग ए सेपरेट कंट्री नागालैंड तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएसन पूरी तरह से ख़राब हो गया था तो फिर आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट पास किया गया जिस एक्ट के तहत आर्म्ड फोर्सेज को हमारी जो आर्मी है और बाकी जो आ, पैामिलिट्री फोर्सेज उनको एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स दिए गए कि आप जाओ इस एरिया में और जा कर के यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को री स्टोर करो तो होता क्या है कि आर्म्ड फोर्से स्पेशल पावर एक्ट किसी भी एरिया में लगाने के लिए पहले उस एरिया को डिक्लेयर करना पड़ता है एज ए डिस्टर्ब्ड एरिया एकॉर्डिंग टू दिस लॉ और एक बार जब उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है फिर वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज भेजे जाते हैं और उन आर्म फोरसेज को एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर दिया जाता है जा करके उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर को री करने के लिए अब जरा देखते हैं कि किन के किन के पास पावर है किसी एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर करने का अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है यानी कि भारत सरकार को इसका पावर है या फिर स्टेट के अंदर गवर्नर को इसका पावर है या फिर किसी यूनियन टेरिटरी में एडमिनिस्ट्रेटर को पावर है कि वह एक पर्टिकुलर एरिया को अपने स्टेट के अंदर या पूरे के पूरे स्टेट को वो डिस्टर्बड एरिया डिक्लेयर कर दे अंडर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट और एक बार डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर हो गया तो फिर वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेज को भेजा जाता है और यही न्यूज है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि गवर्नर को पावर है यू नो you know कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट आर्ट्स ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर ऑफ़ द स्टेट यानी कि इंडायरेक्ट रूप से स्टेट गवर्नमेंट को पावर है अपने State के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाना है या नहीं लगाना है इसका फैसला लेने का तो अब इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसाम गवर्नमेंट ने फैसला लिया है दैट इट विल कंटिन्यू फॉर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इन द स्टेट फॉर सिक्स मोर मंथ तो गवर्नर ऑफ हैज दैट द असाम एरिया फॉर सिक्स मोर मंथ्स एंड दस आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट विल रिमेन एप्लीकेबल अब जरा देखते हैं कि वट आर द स्पेशल पावर्स दैट स्पेशर इंजॉय बाई आज इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया जहाँ पे भी आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लग जाता है वहाँ पे आर्म फोर्सेस को क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर्स मिलते हैं वो भी जरा देखते हैं तो अंडर सेक्शन फोर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एन ऑथोराइज ऑफिसर ऑफिसर इन अ डिस्टर्ब्ड एरिया इंजॉय सर्टेन पावर्स फॉर एग्जाम्पल द ऑथराइज ऑफिसर ऑफिसर हैज़ द पावर टू ओपन फायर एट एनी इंडिविजुअल इवन इफ इट रिजल्ट इफ़ द इंडिविजुअल वायलेंट्स लॉ विच प्रोहिबिट्स असेंबली ऑफ फाइव पर्सन और मोर और कैरिंग वेपन्स हाउ एवर द ऑफिसर हैज टू गिव अ वार्निंग बिफोर ओपनिंग फायर मतलब तो आप समझिए गए सरल शब्दों में जो आर्म्ड ऑफिसर्स होते हैं जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं इन द एरिया डिस्टर्ब एरियाज अंडर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट उनको इतना पावर होता है कि वो किसी भी इंसान के ऊपर गोली चला दें सूट टू किल अगर पांच या उससे ज़्यादा इंसान एक जगह असेंबल होते हैं तो इफ़ दे आर कैरिंग वेपन्स हाँ इसमें एक छोटा सा प्रोविज़न ये भी लिखाया गया है कि उनको एक बार पहले वार्निंग देनी है बिफोर किलिंग लेकिन एक बार मारने के बाद तो क्या ही पता चलता है कि उन्होंने वार्निंग दी थी या नहीं दी थी सो so, इससे तो आपको एक बात तो समझ आ गई कि आर्म फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर मिल जाता है इन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तो आप सोच रहे हो कि सर आसाम के अंदर तो हम पांच से कई ज़्यादा लोग असेंबल होते हैं एक जगह पे एंजॉय करते हैं उस टाइम में तो आर्म फोर्सेस खेल नहीं करती हैं नहीं करती हैं लेकिन उनके पास पावर जरूर है इस बात को आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि पाँच से ज्यादा जैसे ही असेंबल होंगे उनको मार देंगे लेकिन दे हैव पावर सिंस असाम इज अंडर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट तो वो वार्निंग दे सकते हैं अगर उनको लगता है कुछ सस्पिशियस और उस वार्निंग के बाद भी अगर लोग नहीं मानते हैं तो वो दे कैन सूट टू किल और भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं जैसे सेक्शन फाइव ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट दिस अंडर दिस ऑथराइज ऑफिसर हैज आल्सो बीन गिवन द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट सीज एंड सर्च वॉर विदाउट एनी वारंट एंड एनी प्रेमाइस वैसे तो आपको पता है कि अगर नॉर्मल किसी एरिया में जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है वैसे एरिया में अगर किसी भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को किसी को अरेस्ट करना है तो वारंट के बेसिस पर ही अरेस्ट कर सकता है वारंट कोर्ट से इशू कराना पड़ता है जिसमें बताया जाता है कि कौन से ग्राउंड पर उस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है उसके अलावा किसी घर में अगर सर्च करना है तो उसके लिए एक सर्च वारंट रिलीज कराया जाता है कोर्ट से लेकिन आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जिस एरिया में एप्लीकेबल होता है वहाँ पे ये सब प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते हैं जो ऑथोराइज ऑफिसर्स हैं वो आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं वो आपके घर में बिना सर्च वारंट के भी सर्च कर सकते हैं उसके अलावा सेक्शन सिक्स क्या कहता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट का दैट इंडिविजुअल्स हु हैव बीन टेकन इनटू कस्टडी हैव टू बी हैंडेड ओवर टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सून एज पॉसिबल अब इस पॉइंट पे ध्यान देंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एज सुन एज पॉसिबल नॉर्मली क्या है एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी टू कि अगर हमें आपको कोई भी ऑथोराइज एजेंसी अरेस्ट करती है डिटेन करती है किसी आर्मी डिटेन करती है या पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको कोर्ट के सामने रखना होता है 24 घंटे के अंदर और 24 घंटे के अंदर कोर्ट के सामने रखा जाएगा और अगर कोर्ट ऑथराइज़ करता है कि हाँ इस इंसान को आगे जेल में रखा जाए तभी जा करके उस इंसान को उसके आगे जेल में रखा जा सकता है उसको डिटेन करके रखा जा सकता है ये एक सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है फंडामेंटल राइट right है हमारा गारंटेड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी टू की अगर हमें पुलिस अरेस्ट करती है अगर हमें कोई भी अथॉरिटी अरेस्ट करती है लीगल अथॉरिटी अरेस्ट करती है तो उसको चौबीस घंटे के अंदर हमें कोर्ट के सामने रखना है और कोर्ट जब ऑथोराइज करेगी तभी हमें आगे डिटेन करके रखा जा सकता है लेकिन जिस एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लग जाता है वहाँ पे क्या लिखा गया है अंडर सेक्शन सिक्स ऑफ दिस आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट कि अगर ये आर्मी लोगों को अरेस्ट करती है तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दे देना है उस अरेस्टेड पर्सन को एज सून एज पॉसिबल अब ये टर्म एज सून एज पॉसिबल थोड़ा एम्बिगुअस टर्म हो गया अब एज सून एज पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है छः महीने आठ महीने दस महीने एक साल दो साल कुछ भी हो सकता है अब इसका बहुत ज़्यादा मिस होता है होता क्या है ऐसा एलिगेशन है कि जिस एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है वहाँ पे आर्मी या जो आर्म फोर्सेस हैं वो सस्पिसियस लोगों को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उनको मार भी देते हैं बहुत बार उनको फिर डिस्पोज भी कर देते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम हाँ, उनको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में देंगे क्योंकि कोई टाइम नहीं दिया हुआ है क्या लिखा हुआ है एज सुन एज पॉसिबल इसी तरह का केस आपने अगर हैदर मूवी देखी हो तो वहाँ पर दिखाया गया है द केसेज ऑफ डिसअपियर्ड पीपुल कितने सारे लोग हैं जिनका कुछ पता ही नहीं है उनको आर्मी ने अरेस्ट किया आर्म फोर्सेस ने अरेस्ट किया लेकर के गए और फिर कभी पुलिस स्टेशन में जमा ही नहीं किया कभी कोर्ट के सामने रखा ही नहीं और वो इसी चीज का फायदा उठाते हैं से दैट वी विल सबमिटिंग मै एज सुन एज पॉसिबल अभी थोड़ी इंक्वायरी चल रही है तो द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल इज बिकॉज ऑफ दिस प्रोविजन दस दस साल से लोग गायब हैं ऑफकोर्स उनको मार दिया होगा कहीं पर डिस्पोज कर दिया होगा ऐसे एलिगेशन हैं और ऐसा नहीं है कि एलिगेशन आप एग्जाम में लिख नहीं सकते आप ये सब लिख सकते हैं बिकॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल इज क्वाइट नोन इट हैज क्वाइट डिस्कस्ड इन ओवरऑल मीडिया तो अब जरा देखते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जिस एरिया में लगता है वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं व्हाट आर द इश्यूज दैट अराइजेज बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट सबसे पहले तो इट लीड्स टू वायलेशन ऑफ़ सम ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आर्टिकल 22 हमें कुछ राइट्स देता है कि हमें अरेस्ट करने से पहले हमें ग्राउंड्स बताया जाएगा ऑन ग्राउंड ऑन विच वी आर बीइंग डिटेंड हमें राइट्स देता है दैट वी शुड बी पुट इन फ्रंट ऑफ ए मेजिट्रेट विद इन ट्वेंटी आवर्स ऑफ आर अरेस्ट लेकिन सच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सच फंडामेंटल राइट्स दे लैप्स इन एरिया वे आर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज़ एप्लीकेबल वहाँ पे ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमें अवेलेबल नहीं होते हैं जो दूसरा सबसे बड़ा इशू निकल के आता है वो है इशूज ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन अगेन ये एक मेजर इशू है देखो आप जिस एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है वहाँ पे तो आर्म फोर्सेस को स्वीपिंग पावर होती है एक्स्ट्राऑर्डनरी पावर होती है तो आप जानते हैं तो कई सारे इस तरह के केसेस वहाँ निकल के आते हैं ऑफ सेक्सुअल वायलेंस कमिटेड बाय आर्म फोर्सेस अगेंस्ट वीमेन इस तरह के एलिगेशन से अगेन इस बात को आप लिख सकते हैं डोंट कम आफ्टर मी कि सर आप आर्म फोर्सेज को बदनाम कर रहे हैं ये सब न्यूज़पेपर्स में है मीडियाज में है प्रॉपर ये इशूज़ हैं जिनको आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं देखो कैसा है कि जिस एरिया में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है वहाँ पे आर्म फोर्सेस आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इवन इन केस ऑफ रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंस नॉर्मली कैसा है कि अगर कोई सिविलियन सेक्सुअल ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाता है और उसको उसके खिलाफ फिर प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है इन जनरल कोर्ट लेकिन जिस एरिया में आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है उस एरिया में अगर किसी आर्म्ड फोर्सेज के खिलाफ आर्म पर्सनल के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस का एलिगेशन भी है तो उसको नॉर्मल कोर्ट में नहीं रखा जाता है फिर उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है आर्मी के अंदर ही तो उस केसेस में होता क्या है कि बहुत बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में अगर कोई बड़े लेवल का ऑफिसर है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता ऐसे एलिगेशन हैं ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स पब्लिश किए गए हैं हाल फिलहाल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक बार इस पर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अगेंस्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल आपको पता होगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कंडेम किया था एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस कारण से जब आपको याद होगा 2012 में निर्भया केस हुआ था दिल्ली के अंदर तो उसके बाद विमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस को रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत थी एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की ज़रूरत थी और इस कारण से एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जे एस वर्मा कमेटी जे एस वर्मा कमेटी वाज हेडेड बाय जस्टिस जे एस वर्मा वो इज़ अ चीफ जस्टिस और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जे एस वर्मा कमेटी ने भी साफ साफ कहा था इट हैड रिकमेंडेड टू रिमूव दिस प्रोटेक्शन बट दिस रिकमेंडेशन वज नॉट फॉलोड जी एस वर्मा कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे टू अवॉइड सेक्सुअल वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आर्म्ड फोर्सेज या आर्म्ड पर्सनल के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन लगता है ऑफ सेक्सुअल वॉयलेंस तो उनको भी एक आम इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए एक सिविलियन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए एंड देश वुड भी सब्जेक्टेड टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ लॉ उनको कोई उस केस में प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए इवन इफ इट इज इन द एरिया वेयर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज एप्लीकेबल एंड इफ दिस इज एलिगेशन अगेंस्ट आर्म्ड पर्सन लेकिन ये रिकमेंडेशन जे वर्मा कमेटी का एक्सेप्ट नहीं हुआ था और भी इशूज़ हैं जो आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट से निकल के आते हैं जिस एरिया में आर्म फोसेज स्पेशल पावर एक्ट लगा रहता है इसका क्या मतलब है कि द गवर्नमेंट इट सेल्फ इज सेंग दैट दिस एरिया इज़ डिस्टर्ब्ड तभी तो उसको डिस्टर्ब एरिया का टैग दिया गया और वहाँ पे आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है तो इस कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या ओवरऑल इन्वेस्टमेंट उस एरिया का डिस्करेज होता है बाहर से लोग वहाँ आकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहते नई कंपनियाँ वहाँ पर आकर के अपना ऑफिस नहीं खोलना चाहती बिकॉज द गवर्नमेंट इट सेल्फ इज सेंग दैट दिस एरिया इज डिस्टर्ब्ड तो ये एक इकोनॉमिक इशू है विध रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अब जरा आसाम के अंदर देखते हैं आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट की क्या हिस्ट्री रही है तो आसाम के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हैज़ हैज़बिन एप्लीकेबल सिंस नवंबर 1990 और तब से देखो कैसा है कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट एक बार के लिए छः महीने के लिए लगाया जा सकता है तो छः महीने के बाद अगर उसको वापस से रिकमेंड नहीं किया गया तो एक्सपायर हो जाएगा तो जब से 1990 से आर्म फोर्स स्पेशल प्रोडक्ट आसाम के अंदर लगा तब से उसको हर बार छः महीने के बाद जब वो लैप्स होने वाला होता है तो उसको छः महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है वैसा ही किया गया इस बार भी और 1990 से लेकर के अभी तक तीस साल हो गए यानी कि साठ बार से भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड किया गया है आसाम के अंदर और तब से ये बार 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 एक्सटेंड किया जा रहा है अगर इंडिया में देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट एप्लीकेबल हैं तो आपको पता चलेगा कि नागालैंड में इट इज़ एप्लीकेबल आसाम में तो ऑफकोर्स इट इज़ एप्लीकेबल मणिपुर के कुछ एरियाज़ में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट इम्फाल म्यूनसिपल एरिया अरुणाचल प्रदेश के कुछ एक एरियाज़ में एप्लीकेबल है मेघालय में एप्लीकेबल है और जम्मू एंड कश्मीर में तो है ही है पहले ये त्रिपुरा में भी था मिज़ोरम में भी था पंजाब और चंडीगढ़ में भी लगाया गया था लेकिन अब इन सब एरियाज़ में इसको रिमूव कर लिया गया है अगर आपको याद होगा तो दो तीन दिनों पहले मिजोरम में भी इस तरह का न्यूज़ निकल के आ रहा था कि वहाँ पे भी मिज़ोरम सरकार कह रही थी कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटने के बावजूद भी आर्म पर्सनल जो हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मिसबिहेव करते हैं उनको इंडिपेंडेंस डे पर ढंग से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने

इन दैट टाइम इवन इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी दो हज़ार से लेकर के दो हज़ार दस तक में भी इंसर्जेंसी uh, का प्रॉब्लम था आसाम के अंदर लेकिन अब आसाम बहुत पीसफुल हो चुका है कितने सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स उन्होंने भारत सरकार के साथ पीस डील साइन कर लिया है हाल फिलहाल में एन डी एफ बी ने भी पीस डील साइन किया और बाकी सब नेगोशिएसन प्रोसेस में हैं टू गेट मेन स्ट्रीम एंड साइन पीस डील तो अब ऐसे टाइम में जब आसाम इतना पीसफुल हो चुका है तो आसाम के अंदर से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को लिफ्ट कर लेना चाहिए भारत सरकार को तभी जाकर के आसाम के अंदर जो इकोनॉमी है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है वो फ्लोरिस करेगा और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर पाएगा

जापान के प्राइम मिनिस्टर सीन अबे साहब ने रिज़ाइन कर दिया बिकॉज ही हैड बिन सफरिंग फ्रॉम आल्सरेटिव कोलाइटिस तो पुअर हेल्थ के कारण उन्होंने रिज़ाइन कर दिया नाउ ही हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ जापान अभी उनका एक साल और टर्म बाकी था अगले साल उनका टर्म एक्सपायर होता ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सेप्टेम्बर में लेकिन उसके पहले उनको रिज़ाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ़ पुअर हेल्थ अब ये न्यूज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा ये सब लेकिन इस आर्टिकल में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं रिगार्डिंग इंडिया जापान रिलेशंस मोस्टली दैट इनिशिएटेड बाय तो उन सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फ्रॉमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो देखते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन इंडिया जापान रिलेशन ड्यूरिंग सिंजो अबे रिजीम इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स किए देखो सिंजो अबे पहली बार प्रधानमंत्री बने टू थाउजेंड में जापान के और उस टाइम उन्होंने इंडिया का विजिट किया था और उस टाइम उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर स्पीच दिया था बहुत ही फेमस स्पीच दिया था इंडिया के अंदर जिसका स्पीच का टाइटल था कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज स्पीच ऑफ 2007 और इस स्पीच में देखो उन्होंने क्या कहा था कि राधा दैन लुकिंग फॉर एशिया पैसेफिक कोऑपरेशन वी शुड लुक फॉर इंडो पैसेफिक कोऑपरेशन अब ये आपको इस बात समझनी है खासकर पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी समझनी है देखो एशिया पैसिफिक रीजन मतलब ये लैंड वाले एरियाज मतलब आप समझो कि सिंजो अबे साहब ने है इंडो पैसेफिक कॉन्सेप्ट दिया है इसके पहले जो कॉन्सेप्ट था वो एशिया पैसेफिक था एशिया पैसेफिक इंक्लूड्स द 21 लैंड कंट्रीज अलोंग द पैसेफिक एरियाज ये हैं 21 लैंड कंट्रीज ये एशिया पैसेफिक कंट्रीज माने जाते हैं राइट फ्रॉम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया टू ऑल दीज कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस मेक्सिको चिली पेरू दे आर नोन एज एशिया पैसेफिक कंट्रीज द लैंड कंट्रीज अलोंग द पैसेफिक रीजन और एशिया पैसेफिक कोऑपरेशन की बात चल रही थी एपेक मेंबर ग्रुप इनको इनका ग्रुप भी है जिसको हम लोग एपिक मेंबर ग्रुप कहते हैं जब सिंजो अबे ने इंडिया का विजिट किया और इस स्पीच में उन्होंने कहा कि rather than looking for asia pacific cooperation we should look for indo pacific cooperation तो उन्होंने एक नया एरिया ही डिफाइन कर दिया देखो रीजन हम जैसे जानते हैं साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया तो वैसे ही हीRegions का अपने आप में गेम इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस में कि ये रीजन एक अपने आप में एक ग्रुप है एक ब्लॉक है और इस रीजन के अंदर कोऑपरेशन बिल्ड करना चाहिए तो उन्होंने एक नया रीजन ही डिफाइन कर दिया इंडो पैसिफिक रीजन इंडो पैसिफिक रीजन मतलब द कंट्रीज अलोंग द इंडिया एंड पैसिफिक ओशन। तो इंडो पैसिफिक रीजन अगर आप सरल शब्दों में देखो तो सिंजू अबे साहब का मोटिव था कि एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया को लाया जाए देखो यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान बहुत डेस्परेटली चाह रहे थे कि एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया को भी लाया जो उसके दो फैक्टर्स हैं एक तो इकोनॉमिक फैक्टर है कि एपेक के अंदर जब इंडिया आ जाएगा तो इंडिया की एक लार्जर मार्केट है जिसमें उनको एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी नाउ दे आर डिस्कसिंग आर आपको पता है लेकिन इंडिया ने उससे विड्रॉ कर लिया मैंने कई दफ़ा उसको बताया है एक तो पहला डायमेंसन ये था इकोनॉमिक इंटरेस्ट था दैट्स वाई ये जापान ऑस्ट्रेलिया यू एस चाहता था कि एशिया पैसेफिक कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड करके इंडो पैसेफिक बना दिया जाए दूसरा जो उनका गोल है वो था स्ट्रैटिक गोल पहला इकोनॉमिक गोल दूसरा स्ट्रैटिक गोल स्ट्रैटजिक गोल में दे वांटेड टू ब्रिंग इंडिया इनटू दिस पॉलिटिक्स ऑफ एशिया पैसिफिक दे वांटेड टू डेवलप मोर कोऑर्डिनेशन विद इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान यूएस का कोऑर्डिनेशन ताकि इंडिया को एक प्रोएक्टिव रोल प्ले करने को मिले इन साउथ चाइना सी ताकि चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल किया जाए अभी देखो अगर एशिया पैसेफिक में तो इंडिया था ही नहीं तो इंडिया कौन से ग्राउंड पे साउथ चाइना सी में जाकर के बोलता कि यहाँ पे मेरा भी कुछ लोके स्टैंड आई है लेकिन जब इन्होंने इंडो पैसेफिक टर्म बना दिया और इंडिया को भी एक स्टेक होल्डर बना दिया तो नेचुरली अब इंडिया को भी वो बुलाने लगे फॉर नेवल कोऑपरेशन फॉर आर्मी कोऑपरेशन तो ज्वाइंट ड्रिल्स होने लगे तो नेचुरली इंडिया को भी उन्होंने एक स्टेक होल्डर बना दिया साउथ चाइना सी में ईस्ट चाइना सी में ईस्ट चाइना सी में पता है आपको कि चाइना और जापान के बीच में कई सारे डिस्प्यूट हैं तो इंडिया को स्टेक होल्डर बनाने के लिए पहला तो दे देखो बेनिफिट था इकोनॉमिक कि इंडिया के मार्केट को टैप किया जाए दूसरा जो ऑब्जेक्टिव था वो था स्ट्रैटेजिक कि इंडिया को भी एक स्टेक होल्डर बनाया जाए इन डिस्प्यूट्स ऑफ साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी कि एक बार जब इंडिया स्टेक होल्डर बन गया तो इंडिया नेवी यहाँ तक जाएगी और चाइना के अग्रेसिव को कंट्रोल किया जा सकता है तो जापान को और ऑस्ट्रेलियन और नेवी को इंडियन नेवी हेल्प करें इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना इस कारण से सिंजियह ने कॉन्सेप्ट दिया ऑफ इंडो पैसिफिक इस बात को आप ध्यान रखेंगे पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट इज वेरी सिग्निफिकेंट इंडो पैसेफिक कॉन्सेप्ट गिवन बाय सी जो अब अलाउड इंडिया टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी आज हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें हमें एक आ, हमारा लोकस स्टैंड आई रहता है वी आर नाउ ए स्टेक होल्डर हमारा क्वाड ग्रुप है आगे हम उसको देखेंगे सो दिस अलाउड इन्वाइटेड इंडिया टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन साउथ चाइना सी दूसरा जो इम्पोर्टेंट और डिसीजन लिया गया सिंजो अबे साहब के टाइम में दट वॉज स्ट्रेटजिक स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन 2014 बिटवीन इंडिया एंड जापान और इसके साथ ही इंडिया जापान के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील साइन हो गई मैरीटाइम सिक्योरिटी डील साइन हो गई बुलेट ट्रेन जापान ने कमिट किया कि वो इंडिया में इंस्टॉल कराएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कराएगा तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आए गए और इसके बाद ही भारत सरकार ने आपको पता है 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने देन ही विजिटेड जापान एंड इन दिस विजिट इट सेल्फ ही अपग्रेडेड लुक ईस्ट पॉलिसी टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट के बीच का डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ लुक ईस्ट वॉज मोस्टली फोकसिंग ऑन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज दिस टेन आशियान कंट्रीज नाउ एक्ट इस्ट फोकसिंग ऑन नॉट जस्ट साउथ एशियन कंट्रीज बट ऑल्सो ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक जपान साउथ कोरिया प्लस द वेस्ट पैसिफिक कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड सेकेंड एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट में मेन अंतर जो है एक्ट ईस्ट वॉज मोस्टली ड्रीवन बाई द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिवस कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें हम आसियान कंट्रीज के साथ लेकिन लोकेस्ट वॉज हैविंग स्ट्रेट आई मीन सॉरी लोकेस्ट जो पहले था हमारा 1992 से लेकर के 2014 तक उसमें हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक मोटिव था कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें आसियान के साथ लेकिन एक्ट स्ट जो 2014 में नरेंद्र मोदी साहब लेकर के आए आफ्टर मीटिंग सिंजो अबे ड्यूरिंग हिज विजिट टू जापान इन 2014 तो जब एक्ट एस्ट आया तो एक्ट टिस्ट का मेन पर्पज जो है वो इकोनॉमिक ना होकर के स्ट्रेटजिक है ताकि इंडिया ज्यादा प्रोएक्टिव रोल प्ले करे साउथ चाइना सी में इन ऑर्डर टू कर्ब राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी देखो इंडिया का एक फॉरेन पॉलिसी समझ लो हम चाइना को साउथ चाइना सी में ही काउंटर करना चाहते हैं ताकि चाइना इंडियन ओशन में अपना इन्फ्लुएंस ना ग्रो अप कर पाए अगर हम चाइना को साउथ चाइना सी में काउंटर नहीं करेंगे विथ हेल्प ऑफ आर अलाइज इन आसियान एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया तो धीरे धीरे चाइना का इन्फ्लुएंस इंडियन ओशन में बढ़ता जाएगा तो ये इंडिया की जो फॉरन पॉलिसी है उसमें जापान ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है जापान ने पहले इंडो पैसे एफ का कॉन्सेप्ट दिया उसके अलावा फिर ये डील साइन हुई उस डील के बाद भारत ने इंडिया ने अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी को अपग्रेड किया एक्ट ईस्ट में और एक्ट ईस्ट के साथ ही हमारा जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अपग्रेड करके मेन ड्राइवर हमारी साउथ ईस्ट एशिया के साथ और ओवरऑल ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ हमने अपना मेन ड्राइवर बना दिया वो था स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज द मोस्ट स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टू काउंटर चाइना एंड नॉट अलाउ चाइना टू ग्रो इट्स इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओसन उसके अलावा क्वाड ग्रुप बनाया गया देखो 2007 के ही विजिट में सिंजू अबे साहब ने क्वाड का कॉन्सेप्ट दे दिया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस एंड जापान शुड कम टुगेदर लेकिन ये क्वाड ग्रुप उस टाइम में फॉर्मलाइज़ नहीं हो पाया बट बाद में जब 2012 में सी जिनपिंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना एंड ही टुक वेरी अग्रेसिव पॉलिसी टू एक्सटेंड चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ चाइना सी नैन लाइन और ये सब का कॉन्सेप्ट वो इंप्लीमेंट करने लगे तो फिर क्वाड ग्रुप को फिर इंप्लीमेंट किया गया वैसे तो क्वाड इज ओवरऑल एन इनफॉर्मल ग्रुप लेकिन क्वाड बिकेम प्रो एक्टिव इट वॉज रिवाइव द कॉन्सेप्ट दैट वॉज गिवन इन टू थाउजेंड सेवन बाई सिंजो अब देट वॉज रिवाइव इन टू थाउजेंड सेवेंटीन एंड सिंस देन क्वाड इज अ वेरी प्रो एक्टिव ग्रुप जहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया यू एस और जापान कोलेबोरेट करते हैं टू कर्ब द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी उसके अलावा ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ त्रिको माली प्रोजेक्ट इन श्रीलंका आपको एक बात तो पता ही है कि हम्बन तोता पोर्ट चाइना बिल्ड कर रहा है श्रीलंका के अंदर इनफैक्ट चाइना हाईस्टेकेंड दिस हम्बन तोता पोर्ट फॉर नाइन्टी नाइन ईयर्स लीज फ्रॉम श्रीलंका क्योंकि श्रीलंका लोन नहीं चुका पाया द लोन दैट वॉज गिवन द एड दैट वॉज गिवन बाई चाइना टू श्रीलंका फॉर बिल्डिंग हम तोता पोर्ट इस कारण से चाइना ने इसको पोर्ट को नाइन्टी नाइन ईयर के लिए ले, ले लिया है तो दैट वॉज अ स्ट्रेटेजिक चैलेंज फॉर इंडिया क्योंकि नाउ सिंस हम्बन तोता पोर्ट इज विथ चाइना सो चाइनीज नेवी कैन डॉक हीयर चाइनीज नेवल सिप्स कैन डॉक हीयर तो फिर इसको इस हमबन तोता पोर्ट के इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए नलीफाई करने के लिए फिर इंडिया ने जापान के साथ मिल के थ्रिको माली प्रोजेक्ट बिल्ड करना शुरू किया श्रीलंका के अंदर सो दिस इज अनदर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंजोआबेस पॉलिसी तो काउंटर चाइना इन श्रीलंका वी विद जापान आर बिल्डिंग थ्रिको माली ऑफ पोर्ट ऑफ श्रीलंका कंक्लूजन में आपको इस तरह से कुछ लिखना है कि अंडर सिंजो अबे प्राइम मिनिस्टरशिप इंडिया एंड जापान टुक मेनी स्टेप्स दैट हेल्प इंडिया टू डेवलप इट्स इन्फ्लुएंस इन एशिया पैसिफिक रीजन एंड कर्ब द ग्रोइंग चाइनाज थ्रेट इन इंडियन ओशन ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सिंजो अबे का वैसे तो देखो जापान और चाइना के बीच में अपने आप हॉस्टिलिटी रहती है तो दैट वॉज अ नेचुरल आउटकम बट उन्होंने काफ़ी प्रोडक्टिव पॉलिसी ली है ताकि इंडिया चाइना को काउंटर कर सके इन साउथ चाइना सी और चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोक सके इन इंडियन ओशन द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश फॉर सिक्स शेड्यूल स्टेटस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू तो देखो सिक्स शेड्यूल का कॉन्सेप्ट हम पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुके हैं जहां पे मैंने आपको बताया कि अंडर आर्टिकल टू फोर्टी फोर सब क्लॉस टू एंड अंडर आर्टिकल टू सेवेंटी फाइव सब क्लॉस वन एंड सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फोर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम उन ट्राइबल एरियाज़ को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने को अलाउ किया गया और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना करके उन सारे एरियाज को अपने लिए बेसिक लॉज बनाने का पावर दिया गया है ये बात तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं आप भी जानते होंगे इनफैक्ट इसी संडे को हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा अब तो आई होप कि आपको सिक्स शेड्यूल के अंदर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं और ऑटोनोमस ट्राइबल काउंसिल्स बनाए जाते हैं जिनको राइट्स दिए जाते हैं टू मेक लॉज रिगार्डिंग देयर सम बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता हैं आपको पता है कि देर आर टेन ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी से मिलता जुलता एक नया न्यूज है अब न्यूज ये है आप देखो कि मेघालय में मिजोरम और त्रिपुरा और आसाम के अंदर ये सिक्स शेड्यूल के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन अरुणाचल प्रदेश के अंदर है नहीं तो अरुणाचल प्रदेश असेंबली हैज़ पासड ए रिजोल्यूशन उस रिजोल्यूशन के अंदर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पहला पॉइंट है ब्रिंग अरुणाचल प्रदेश अंडर द एम्बिट ऑफ सिक्स शेड्यूल एंड सेकेंड अमेंड आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन एच टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ़ द स्टेट तो Uh, पहले पॉइंट पे हम बाद में बात करेंगे दूसरा पॉइंट आप समझो आर्टिकल 371 सेवेंटी वन एच ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स बताता है टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द लोकल पीपल ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस पीपल ऑफ़ अरुणाचल प्रदेश अब ये चाहते हैं कि उस आर्टिकल को अमेंड करके इस रिजोल्यूशन में कहा गया है कि उस आर्टिकल को अमेंड करके और ज़्यादा राइट्स इंक्लूड किए जाए सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड पॉइंट अब जरा आते हैं देखो आप पहले पॉइंट पे आते हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आपको बस इस सेकेंड पॉइंट को इतना याद रखना है कि आर्टिकल 371 सेवेंटी वन एच प्रोवाइड सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन टू द ट्राइबल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश क्योंकि अब ये न्यूज़ में है तो हो सकता है सीधा सीधा फिल्म में उठ के आ जाए लेटेस्ट कम टू द फर्स्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश लजस्लेटिव असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश को सिक्स शेड्यूल के अंदर लाया जाए लाइक मेघालय मिजोरम त्रिपुरा एंड आसाम तो अब हमें समझना ज़रूरी है कि वॉट इज़ द प्रोसीजर फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया अंडर शेड्यूल सिक्स आखिर कैसे लाया जाता है किसी भी एरिया को अगर अरुणाचल प्रदेश को शेड्यूल सिक्स के अंदर लाना है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना है उसके अंदर तो क्या प्रोसीजर है तो आर्टिकल 244 फोर्टी फोर सब क्लॉस टू सेज दैट द गवर्नर मे बाई पब्लिक नोटिफिकेशन क्रिएट ए न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यानी कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर नोटिफिकेशन रिलीज करके एक नया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं तो नेचुरल आपके मन में सवाल आएगा प्रॉब्लम कहाँ है अरुणाचल प्रदेश की सरकार बोले अरुणाचल प्रदेश की गवर्नर को कि वो नोटिफिकेशन रिलीज़ करें और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाएं लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है इसके लिए गवर्नर को भी कुछ कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं पहले क्या करना होता है गवर्नर कैन नोटिफाई क्रिएशन ऑफ न्यू ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ अ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पज़ तो होगा क्या कि ये गवर्नर है मान लो इनको एक कमीशन बनाना होगा कुछ लोगों की तीन लोगों की चार लोगों की कमीशन बनानी होगी और उनको बना करके उनसे पूछना होगा कि आप बताओ कि क्या यहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है गवर्नर अपने मन से नहीं बना सकते या चीफ मिनिस्टर के कहने पे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर नहीं बना सकते उनको कमीशन बनाना है और कमीशन से उनको रिकमेंडेशन लेना है कि क्या यहां पे हमें डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है कि नहीं और अगर ये कमीशन कहता है कि हां ठीक है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जरूरत है देन ओनली द गवर्नर में थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन क्रिएट ए न्यू ट्राइबल एरिया अंडर शेड्यूल सिक्स सो ये है क्राइटेरिया आप सरकार कह कर के नहीं बनवा सकती तो फिर आपके मन में सवाल आएगा कि फिर अरुणाचल प्रदेश असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास ही क्यों किया जब अरुणाचल प्रदेश लेजिस्टिव असेंबली के हाथ में है ही नहीं रेजोल्यूशन पास करके क्या फ़ायदा मिल जाएगा उनको तो इस रेजोल्यूशन की मदद से द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्टिव असेंबली हैज़ रिक्वेस्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट को उन्होंने रिजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट की आपको एक बात तो पता ही यह कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि अगर स्टेट को कोई भी रिक्वेस्ट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो एक रिजोल्यूशन पास कर सकता है तो ये रिजोल्यूशन पास करके उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को कहें कि वो एक कमीशन इस्टेब्लिश करें और उस कमीशन के बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए अंडर शेड्यूल सिक्स तो नाउ आई होप दिस पॉइंट इज कंप्लीटली क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ चूंकि ये न्यूज में है तो आपसे ये स्टेप पूछा जा सकता है फिल्म में पूछ लिया जाएगा कि वट आर द स्टेप्स इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू एरिया अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब आज एक दो स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे उन क्वेरीज को जरा ले लेते हैं जो पहला क्वेरी था हाउ टू निगेट द व्यू ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज़ देखो सीधा सीधा जो क्वेश्चन था मैंने वही उठा लिया है कॉमेंट uh, सेक्शन में एक डाउट आया और वो डाउट क्या था कि सर अगर एथिक्स पेपर में कोटा विद इन कोटा ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे काउंट कवर करेंगे क्योंकि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन या अंबेडकर या महात्मा गांधी की ज़्यादातर तरह जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते तो फिर आप बताओ कैसे इनके बारे में लिखेंगे अब ये जो क्वेश्चन था इस कॉन्टेक्स्ट में था जो कल मैंने आर्टिकल डिस्कस किया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अंबेडकर साहब ने आर्ग्यू किया कि सारे के सारे शेड्यूल कास्ट को मिलना चाहिए रिजर्वेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस तो ये इस पॉइंट को अब हर लगभग सब इंडियन को ये अनफेयर लगता है कि जो रिच लोग हैं शेड्यूल कास्ट के अंदर उन्हीं को फ़ायदा मिलता है पुअर लोगों को मिलता नहीं है तो अब लेकिन ये अंबेडकर साहब ने कहा कि चूंकि वो शेड्यूल कास्ट है कल ही हमने ये आइडिया डिस्कस किया है और उसके खिलाफ हिस्टोरिकली uh, इनजस्टिस हुआ है उसके खिलाफ अनटेजेबिलिटी प्रैक्टिस हुई एंड दैट इज वाई दैट पर्सन शुड बी गिवन रिजर्वेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस तो अब इस आइडिया को अम्बेडकर साहब ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में खड़े होकर कि अब उसको काउंटर कैसे करें लेकिन काउंटर करना भी है क्योंकि आज के टाइम में ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है जिसको सच में जरूरत है उसको फायदा नहीं मिल रहा तो इसको काउंटर करेंगे देखते हैं देखो यू कैन ऑलवेज़ प्रपोज डाइवर्जेंट आइडियाज़ फ्रॉम द आइडियाज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी चाहे अम्बेडकर साहब ने कहा हो या महात्मा गांधी ने कहा हो आप उनके आइडियाज से डिफरेंट आइडिया ज़रूर प्रपोज कर सकते हैं उसको आप क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर सकते हैं लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में बहुत केयरफुल रहना होगा बहुत सेलेक्टिव रहना होगा ऐसा नहीं लिखना होगा कि अम्बेडकर मतलब आप डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे कि इट ही डिड नॉट अप्लाई हीज ब्रेन और इट इज अ नॉन सेंसिकल अप्रोच और नॉन सेंसिकल सजेशन इस तरह की बातें आप नहीं लिखेंगे आपको अब लैंग्वेज में बहुत केयरफुल होना होगा जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैं बताता हूं किस तरह का लैंग्वेज हो सकता है आप इस तरह का लैंग्वेज लिख सकते हैं द व्यू पॉइंट ऑफ बाबा साहब अंबेडकर इज जस्टिफाइबल दोज हु हैव बीन सब्जेक्टेड टू इन ह्यूमन प्रैक्टिस हिस्टोरिकली लाइक अनटचेबिलिटी नीड्स टू बी गिवेन सम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन द फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन बट at the same time social justice must be ensured and the benefits of reservation policy must be enjoyed by all sections of the deprived society or section to ensure effectiveness of reservation policy there is need of sub categorization of quota system to is tarah se aapne baat bhi keh di unke concept ko thoda criticize bhi kar diya lekin bahut hi sophisticated language mein to yahan pe you have to be careful about the language ek dusra query tha aaj ke din ka ये स्टूडेंट का दो तीन बार इसने ये डाउट पूछा तो मैंने आज इस डाउट को ले ही लिया वोटिंग पैटर्न इन जीएसटी काउंसिल उसका सवाल था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन द वेटेज इन सिक्स सिक्सटी सिक्स परसेंट वोटिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल स्टेट्स कल ही जैसे मैंने जीएसटी काउंसिल uh, के अंदर वोटिंग कैसी होती है वो बताया था कि जी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वन थर्ड वोट शेयर मिलता है जबकि रिमेनिंग स्टेट्स को टू थर्ड मिलता है सिक्सटी और कोई भी डिसीजन होने के लिए सेवेंटी वोट होना चाहिए अब ये डाउट रह गया उस स्टूडेंट का हो सकता है कि आपका भी डाउट हो तो उसने बार बार पूछा तो मैंने आज इसको हम समझेंगे देखो कोई भी प्रपोजल लाया जाएगा मान लो जी काउंसिल के अंदर जैसे कल ही जो हमने प्रपोजल डिस्कस किया कि इस बार भारत सरकार कंपनसेशन नहीं देगी अगर चाहिए तो स्टेट आर से लोन ले सकती है दैट इज़ ए प्रपोजल अब वो प्रपोजल पास होगा या नहीं होगा वो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा उस पर वोटिंग होगी और वोटिंग में तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं आइदर यस और नो कि हम ये प्रपोजल मानते हैं या हम प्रपोजल नहीं मानते हैं सो प्रपोजल कैन हैव वोटिंग इन टू वेज यस और नो अब कैसा है कि जब मैं कहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ वन थर्ड वोट इन द काउंसिल इसका मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहती है कि यस हम इस प्रपोजल को मानते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट आ गई यस अकाउंट में तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट की वैल्यू मानी जाएगी 33.33 वन थर्ड मतलब कितना 33.33 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट वैल्यू होगी वोट वैल्यू वोट एक ही दिया है लेकिन उसकी वोट की वैल्यू होगी 33.33 जबकि टोटल हमारे देश में स्टेट्स कितने हैं 28 एट क्या कह रहे हैं स्टेट्स की वोट वैल्यू मिलाकर के टू थर्ड है मतलब 66.66 .66. तो टोटल स्टेट्स कितने हैं 28 तो उनके टोटल कंबाइंड वोट वैल्यू है 66.66 .66. तो टोटल स्टेट्स हैं 28 और कंबाइंड वोट वैल्यू है 66.66 .66. तो एक स्टेट का वोट वैल्यू कितना होगा 66.66 डिवाइडेड बाय 28 तो ये समवेयर 2.6 पॉइंट ऐसे कुछ निकल के आएगा तो यानी कि एक स्टेट की वोट वैल्यू है 2.6 पॉइंट यानी कि हर एक स्टेट की वोट वैल्यू है 2.6 जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले की वोट वैल्यू है 33.33 .33। अब सब अपना वोट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाल दिया यस किसी स्टेट ने डाल दिया नो किसी ने डाला यस तो अगर स्टेट ने डाला यस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ उसका वोट जा करके जुड़ जाएगा उसका टू पॉइंट जा करके जुड़ जाएगा किसी ने नो डाला तो वो नो साइड में जाकर के जुड़ जाएगा अब अगर टोटल वोट वैल्यू 75 से ज्यादा हो जाए यानी कि डिसीजन नीड्स टू बी टेकन ऑन द 75 फाइव परसेंट ऑफ वोट सपोर्ट अगर टोटल येस yes, इस प्रो इस प्रपोजल के लिए अगर टोटल वोट 33 तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया उसके अलावा 2.5 2.6 जो स्टेट्स का है वो जोर जोर करके अगर टोटल वोट स्ट्रेंथ 75 से ज़्यादा हो जाएगा देन दिस प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड अगर नहीं हो पाता देन दिस प्रपोजल विल नॉट बी एक्सेप्टेड दिस इज ऑल वेन वी से दैट दिस इज द वोटिंग मेथड इन जी काउंसिल आई होप कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी let us see some prelims related factual information that came in the newspaper today. the first information is regarding 14th india-singapore defence policy dialogue. the 14th india-singapore defence policy dialogue was held through video conferencing and at the end of this dialogue, an implementation arrangement on humanitarian assistance and disaster relief between india and singapore was signed. second is about united nations security council resolution for women peacekeeper. so india has co-sponsored a security council resolution that calls for full effective and meaningful participation of women personally in peacekeeping operation the resolution was put forth by indonesia third information is about mahatma ayan kali mahatma ayan kali was a social reformer who worked for the advancement of deprived untouchable people in the princely state of travancore of british india ayan kali founded sadhu jan paripalan sangham that's all from our side for today thanks for watching